हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, टैबलेट सुहाग्रा। दोस्तों, ये जो सुहाग्रा टैबलेट है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो के एंड पे मैं इस सुहाग्रा टैबलेट का रिव्यू करूंगा कि इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो सुहाग्रा टैबलेट है, ये चार टैबलेट्स का स्ट्रिप में मिलता है। कीमत है 192 रुपीज़। और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है सिप्ला लिमिटेड। तो दोस्तों, ये इसका कंपनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि क्या केमिकल सॉल्ट से इस सुहाग्रा 100 mg टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो सुहाग्रा 100 mg टैबलेट है, इसका हर एक टैबलेट में है सिलडेनाफिल 100 mg। तो दोस्तों, ये इसका कंपोजिशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि ये जो सुहाग्रा 100 mg टैबलेट है, इसे कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये जो सुहाग्रा 100 mg टैबलेट है, ये यूज़ किया जाता है द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसे कहा जाता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम मर्दों की उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में मर्दों का जो पेनिस है उसमें इरेक्शन आना बंद हो जाता है, लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है, लिंग में तनाव बिल्कुल नहीं आता है, उसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये वो इसका पहला यूज़। एंड समटाइम्स देखा गया है, इसे जब आप लोगे सुहाग्रा टैबलेट तो इससे आपका सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा आपका मन में आएगा। तो दोस्तों, ये वो इसका यूजेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड सेक्सुअल डिज़ायर को भी इंक्रीज करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में एंड ड्यूरेशन के बारे में। दोस्तों, इसके जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, इसको दवाई लेने का नियम है, शारीरिक संबंध बनाने से 1 घंटा पहले आपको लेना होता है। ठीक है, तो कुछ इसका डोजेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, साइड इफेक्ट के रूप में इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है, जैसे नोशिया, वोमिटिंग, हेडेक, एबडोमिनल पेन, हाइपरसिटी, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न एंड हॉट फ्लेशेस, ये आपको हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो होता है दोस्तों, हेडेक। एंड इसका जो सीवियर साइड इफेक्ट है, ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई बीमारी है, उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो उनको ये दवाई नहीं लेना है, उनके लिए ना लेना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ साइड इफेक्ट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन यानी सावधानी के बारे में कि ये जो सुहाग्रा टैबलेट है, ये किनको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर एंड किडनी की डिजीज, किडनी डिसऑर्डर, इन सारे मरीजों को ये दवाई नहीं लेना चाहिए। तो कुछ सावधानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि ये जो सुहाग्रा टैबलेट है, इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स कैसा है। तो दोस्तों, जो जो मैंने इसके यूज़ के बारे में बताया है, अगर उस जगह पर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो इसका रिजल्ट एंड बेनिफिट्स दोनों ही आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें एंड जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।